हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की यूजर नेम को कैसे चेंज करेंगे। अगर आपकी यूजर नेम अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी अगर ये प्रॉब्लम आती है यूजर नेम हैज बीन टेकन, मतलब आपकी यूजर नेम ले जा चुकी है, यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। तो गाइज ऐसी कोई सी भी अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम की भी मैं सॉल्यूशन करूंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यूजर नेम को चेंज करके दिखाने वाला हूं। सो गाइज क्या है, क्या प्रोसेस है, वो सब आपको मोबाइल स्क्रीन पर चल करके बताऊंगा। सो गाइज विदाउट वॉचिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। जाने तू कहां है उड़ती हवा पे तेरे। सो दोस्तों इंस्टाग्राम यूजर नेम को चेंज करने के लिए आपको सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। सो गाइज इंस्टाग्राम जैसे आप ओपन कर लेंगे आपको सिंपली यहाँ पे एक प्रोफाइल की ऑप्शन आएगी, आपको इस प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपकी मेन पेज पर आ जाएगी, आपकी जो भी प्रोफाइल रहेगी यहाँ की, आपकी फॉलोवर सब कुछ यहाँ दिखती है। तो आपको कैसे, आपको ये यूजर नेम जो आपको टॉप पे दिख रही है यही आपकी यूजर नेम, अगर ये यूजर नेम अगर कोई भी बंदा आपका सर्च करेगा तो आपकी आईडी निकल आएगी। तो गाइस यही आपका फायदा है, यूजर नेम चेंज कर लेंगे। अगर आपका प्रोफेशनल अपना यूजर नेम बना लेंगे तो इजी होगा किसी को भी सर्च करने में और आपके इजीली वो फॉलो कर पाएगा। तो गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ स्टाइल की यहाँ पर जो भी अपडेट आ रही है सबसे पहले अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो गाइस इस इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के मस्त मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइज अब इंस्टाग्राम की यूजर नेम को चेंज करने के लिए आपको सिंपली अपनी इसमें आकर के आपको एक ऑप्शन देखनी है एडिट प्रोफाइल की। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे में तो आपको एडिट प्रोफाइल यहाँ दिख रही है, अगर आपके में यहाँ नहीं दिखती होगी आपको कहीं भी देखना है एडिट प्रोफाइल कहाँ लिखी है, बस वहाँ पर जहाँ पर भी लिखी रहेगी एडिट प्रोफाइल आपको उसी एडिट प्रोफाइल वाली सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ देख सकते हैं ये है हमारी यूजर नेम, यही आपको यूजर नेम आपकी है जो भी रहेगी यहाँ शो करेगी। तो आप चाहते हैं अपनी यूजर नेम, तो गाइज यहाँ देख सकते हैं मेरी यूजर नेम में यहाँ पे डैश है। तो गाइज अगर जो ये अवेलेबल नहीं रहती है वो यूजर नेम आपको दिख जाती है। एग्जाम्पल में गाइज यहाँ पर मैं इसकी डैश जो है इसको मैं रिमूव करके दिखाता देता हूँ कि यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ये देख लीजिए मैं यहाँ इंटर किया तो यहाँ देख सकते हैं द यूजर नेम इज, यहाँ पे एक बार और मैं इसको दिखा दूँ आपको लाइव प्रूफ के साथ, द यूजर नेम इज मतलब किसी ने ले लिया है। तो गाइज ये यूजर नेम मतलब कोई यूज कर लिया, तो देख सकते हैं यहाँ नॉट अवेलेबल मतलब ये एमटी जैला यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। तो गाइज यहाँ पर अभी मैं और कुछ डालूंगा 786 यहाँ मैंने इंटर किया तो यहाँ पे अवेलेबल दिखा देगी। सो गाइज यहाँ जब अवेलेबल दिखाएगी तो यहाँ पे आपको टिक की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम अवेलेबल है। तो अगर आपकी गाइज कोई भी यूजर नेम अगर आपकी अवेलेबल नहीं होती है तो उसके लिए आपको करना है कि आपको यहाँ पर जो भी आपकी नाम है यहाँ पर आपको यहाँ डैश लगा सकते हैं, यहाँ पर डैश लगाएंगे तो भी आपकी अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आप इसमें जा करके ये स्लैश की आपको ऑप्शन मिलती है। देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पर गया ABC में यहाँ स्लैश किया है, यहाँ पे एंड के पहले सेलेस की ऑप्शन है इसको मैं लगाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी यहाँ अवेलेबल है। सो गाइज आपको आगे पीछे करके देख लेना है, सेलेस लगा लेना अपने नाम में, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरी जो नाम थी यहाँ पहले वो देख सकते हैं यहाँ अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ, एक बार और देख सकता हूँ MDZLARI ऑफिशियल, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे मेरी ये सब नाम अवेलेबल है, बस वो वाली नाम मेरी अवेलेबल नहीं है। तो गाइज अगर आपकी अवेलेबल नहीं है तो आप लास्ट में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो और यहाँ पे आप ये डैश या कुछ भी आप इसमें लगाएंगे तो आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं MDZLARI 786। सो गाइज यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको किया, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे टिक की ऑप्शन आ चुकी है MDZLARI यहाँ 776 मैंने किया, डन पे क्लिक किया तो यहाँ पे MDZLARI थी, यहाँ पे देख सकते हैं अभी लाइव प्रूफ के साथ ये अपडेट हो चुकी है MDZLARI 776 पे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा।